सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इस टाइम पर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां पर एक हिस्टोरिकल सीरीज खेली जाएगी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले ओडीआई मैच के बारे में, जो कि पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा 27 सितंबर 2019 को। तो आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे पहले ओडीआई मैच में श्रीलंका के खिलाफ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा, और साथ ही इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि लाइव किस तरह के इंडिया और पाकिस्तान में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच होने वाला पहला ओडीआई मैच। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे पर सबसे पहले 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद आखिर में 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। अगर बात की जाए तो पहला ओडीआई मैच पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के बीच 27 सितंबर 2019 फ्राइडे को खेला जाएगा कराची के नेशनल स्टेडियम में, और यह मैच शाम को 3:30 बजे से स्टार्ट होगा इंडिया टाइम के हिसाब से, यानी कि 3:30 PM से। तो वहीं पाकिस्तान टाइम के हिसाब से शाम को 3 बजे से, यानी कि 3 PM से। अब दोस्तों, अगर हम बात करें पहले ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान के सटीक प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलेंगे, तो एज ए ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे इमामुल हक, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज, जिनकी एवरेज काफी शानदार रही है पिछले काफी टाइम से। इसके बाद नंबर 2 पर होंगे फखर जमान, जो कि फखर जमान इस टाइम पर इतने शानदार फॉर्म में नहीं चल रहे हैं जिस तरह के वो पहले शानदार बल्लेबाजी किया करते थे। ऐसे में इस मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा पाना चाहेंगे और एक शानदार बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करेंगे फखर जमान। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे बाबर आजम, पाकिस्तान टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और साथ ही टी20 में काफी लंबे टाइम से नंबर 1 पर मौजूद है ICC के रैंकिंग में। वहीं अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर होंगे हारिस सुहेल, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जो कि वर्ल्ड कप में काफी शानदार फॉर्म में चल रहे थे। ऐसे में इस मैच में भी इनसे काफी ज्यादा उम्मीद होगी कि एक शानदार बल्लेबाजी करके दिखाएं। अगर बात की जाए नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे सरफराज अहमद, पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान। वहीं इसके बाद नंबर 6 पर होंगे इफ्तिखार अहमद, जिनकी काफी टाइम बाद वापसी हुई है पाकिस्तान के ओडीआई टीम में, जो कि इससे पहले भी वो ओडीआई मैच खेल चुके हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से, एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और साथ ही पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हैं। अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर होंगे इमाद वसीम, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग के साथ साथ काफी शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं। वहीं इसके बाद नंबर 8 पर होंगे शादाब खान, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन स्पिनर। अगर बात की जाए नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर होंगे वहाब रियाज, पाकिस्तान टीम के एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज। वहीं इसके बाद नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन फास्ट बॉलर, जबकि नंबर 11 पर 2 खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है, जो कि नंबर 1 पर मोहम्मद हसनैन, वहीं इसके बाद नंबर 2 पर उस्मान खान सनवारी, जो कि इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा पहले ओडीआई मैच में श्रीलंका के खिलाफ। तो गाइस, यदि पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11, जो कि 11 खिलाड़ी तकरीबन लगभग यही खेलने वाले हैं, गाइस आपके क्या प्लेइंग 11 है, कमेंट बॉक्स में अपनी विचार, अपनी राय जरूर दें। अगर हम बात करें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, तो आप यह मैच इंडिया में Sony 6 या फिर Sony 6 HD TV चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं, और साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पे, जो कि Sony Live मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान में PTV Sports और साथ ही 10 Sports पर लाइव देख सकते हैं। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़ अपडेट लगातार पाने के लिए।